दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले न्यू अपडेट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आप इस वीडियो को एक सेकेंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे सिर्फ एक क्लिक में आप अपने फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और अपने फोटो को बेहद ही खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। जैसा दोस्तों होता है क्या है कि अगर हम पिक्सआर्ट पर अपना फोटो एडिट करने जाते हैं तो वहाँ पर जो है हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर पिक्सआर्ट हमें अच्छी तरह से यूज नहीं करने आता हो तो उसमें अपना फोटो भी अच्छी तरह से एडिट नहीं कर पाते और हमारा टाइम भी जो है वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको सिर्फ अपना फोटो डालना है और ये एप्लीकेशन आपके फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर देगा, आपके फोटो पर अलग अलग इफेक्ट लगा देगा जो कि देखने में आपका फोटो बेहद ही औसम लगेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए मैं टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर दोस्तों ये वो एप्लीकेशन है, तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको सारे यहाँ से इसे परमिशन दे देने होंगे, यहाँ से अलाउ कर देना होगा, तभी जो है आप इस एप्लीकेशन को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि कट कट, स्टिकर और स्टेटस का। तो यहाँ पर आपका बैकग्राउंड चेंज होगा कट कट में, तो सिंपली हम यहाँ पर कट कट को ओपन कर लेंगे। सो अगर दोस्तों आप इस ट्रिक को अपने फोन में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को सबसे पहले कर देना होगा लाइक और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। इसके बगल में एक घंटे का आइकन आ जाएगा तो आपको इसे दबाकर यहां से ऑल कर लेना होगा दोस्तों। और साथ ही यहां पर आपको एक कमेंट करना होगा, जैसे कि नाइस, ऑसम या फिर यहां पर अपना नाम लिख देना होगा ताकि मैं जान सकूं कि आप जो है हमारा वीडियो देखते हैं, मैं आपका जो है नाम पढ़ सकूं। तो यहां पर आप कुछ भी एक कमेंट कर दें, मैं आप सभी का कमेंट पढ़ता हूं, उसे लाइक करता हूं और उसे हर्ट देता हूं। ओके, तो चलिए जानते हैं आगे का प्रोसेस। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप जिस फोटो को अपना एडिट करना चाहते हैं, मतलब कि फोटो का बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं, अलग अलग इफेक्ट दिलवाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जो अपना फोटो कोई सा भी सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं अपना एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसे मुझे एडिट करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर अपना फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ऑटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मैजिक टाइप से इसका जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो है वो देखिए, ये क्लियर हो गया इसका बैकग्राउंड। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है इसका बैकग्राउंड जो है वो क्लियर करना। यहाँ पर मेरा पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर आपको करना क्या है, इस यस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर आपके सामने बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। यहाँ पर फेमस प्लेसेस का जो है यहाँ पर जो है वो फोटोज़ हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, यहाँ पर जो है वो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया। तो यहाँ पर जिस सिटी का जो है वो अपना फ़ोटो के बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं, कुछ भी फेमस जगह का, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंडिया का ही लगाना चाहता हूँ, तो इसे हम पहले डाउनलोड कर लेंगे। मान लीजिए कि इसे हमें लगाना है, इसे हम डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से डन करेंगे और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो बैकग्राउंड चेंज हो गया है। और इसे आप अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ रखना चाहते हैं, कितना दूरी पर रखना चाहते हैं, तो आप अपने फ़ोटो को यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से यस कर देना है। ओके, यस करने के बाद आपका फ़ोटो जो है वो सेव हो जाएगा, आपके फ़ोन के गैलरी में चला जाएगा। अब इसे जो है आप अपने व्हाट्सअप DP में लगा सकते हैं, अपने फेसबुक पर अपलोड कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन अच्छा लगा तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और इंजॉय करिए इस एप्लीकेशन को।